हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड उसका टॉपिक वाइज हम लोगों ने मार्क्स एनालिसिस देखा था, और आज मशीन में जो सबसे पहला टॉपिक है डीसी मशीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस बता दूं, सबसे पहला है पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन से भी पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पढ़ते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में डीसी मशीन होता कैसा है। तो यहां सबसे पहले डीसी मशीन टॉपिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और उसके बाद फिर इसका देखेंगे हम लोग ईएमएफ इक्वेशन डेराइव होता है, तो ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे डीसी मशीन का। डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कम्यूटेशन क्या होता है, उसकी वाइंडिंग क्या होती है, और इंटरपोल्स का क्या काम होगा, ठीक है। और उसमें जो बेसिक आपका एनालिसिस होगा, जैसे कि रोटेटिंग मशीन अपने दो टाइप के होते हैं, एक डीसी और एसी। ट्रांसफार्मर हम लोग ने पढ़ा है, और आगे के लेक्चर्स में और पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन होता है, ठीक है, और डीसी मशीन रोटेटिंग मशीन ही होगा। और इसमें दो टाइप्स के वाइंडिंग भी यूज करते हैं जो कि आगे पढ़ेंगे। एक होता है फील्ड वाइंडिंग, जो कि फ्लक्स के जनरेशन के लिए यूज होता है, जो कि पहला सबसे पहला काम आपका करवाएगा उसको घुमाने का। रोटेटिंग मशीन मतलब ही होता है क्या कि उसे रोटेट करना है, और एसी मशीन में भी रोटेशन होता है, तो इसकी वाइंडिंग्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वाइंडिंग पढ़ने के बाद, कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ईएमएफ, ईएमएफ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन उसका कैसा होता है, उसी के साथ कुछ स्टार्टिंग मेथड्स हैं वो भी देखेंगे, और फिर फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो एक एक करके सबसे पहला जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो है डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। उससे पहले एक ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए मशीन्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्टैटिक मशीन जो कि ट्रांसफार्मर होता है, एक रोटेटिंग मशीन है। रोटेटिंग मशीन में हम लोग दो टाइप के मशीन्स पढ़ते हैं। रोटेटिंग हो जाएगा आपका, रोटेटिंग मशीन्स के टर्म्स में एक आएगा अपना एसी मशीन, और एक होता है डीसी मशीन। आज का टॉपिक अपना है डीसी मशीन से रिलेटेड, और डीसी मशीन में हम लोग देखेंगे कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके कंस्ट्रक्शन के बाद हर एक पॉइंट का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखेंगे, इधर उधर की चीज़ें, तो जो जिससे मतलब कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप हो जाए बेसिकली, और उसके बाद टॉपिक्स भी अपने सारे कवर हो जाए, ठीक है। तो ये पहला अपना कंसर्न रहेगा। तो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, एंड लेट अस स्टार्ट दैट। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन देखते हैं। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये हम पढ़ते हैं आज। देखिए रोटेटिंग मशीन मैंने बताया, इसमें दो टाइप के वाइंडिंग्स का यूज होता है। एक होता है फील्ड वाइंडिंग, जो कि अपना काम कराने के लिए यूज होता है, जो कि फ्लक्स के डेवलप के डेवलप मतलब फ्लक्स को अगर डेवलप कराना है तो फील्ड वाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, ये दो मेन वाइंडिंग्स हैं अपने डीसी मशीन्स में। तो सबसे फर्स्ट वाइंडिंग इज आर्मेचर वाइंडिंग, एंड सेकेंड वाइंडिंग इज, आर्मेचर वाइंडिंग के बाद होता है अपना फील्ड वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग में क्या हमने देखा है कि इसका ये रोटेटर के ऊपर जो रोटर होता है, रोटेटर नहीं रोटर बोलेंगे, स्टेटर और रोटर, तो रोटर के ऊपर इसकी वाइंडिंग होती है। तो दिस इज वाइंडेड ऑन रोटर, और ये इसकी वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग की स्टेटर के ऊपर, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का स्टेटर के ऊपर होगा वाइंडिंग, और रोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग की। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्या कि रोटर आर्मेचर वाइंडिंग का सबसे मेन काम जो मैंने बताया, फ्लक्स डेवलप कराना, यानी किसी भी मशीन को घुमाने के लिए जो मेन फ्लक्स के डेवलपमेंट का काम करता है वो आर्मेचर वाइंडिंग करता है, जिसका हम लोग कहाँ पे लपेटते हैं उसे, रोटर पे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रखते हैं। चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें। कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा क्या कि अब आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन।
से बना करके देखें, और उसमें देखेंगे कि इंटरपोल्स कहाँ रहते हैं, स्टेटर कहाँ पे है, योक कहाँ पे है, वो मशीन कहाँ पे है, तो ये पूरा बनाना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, वो बना करके देखते हैं। देखिए दो टाइप की रोटेटिंग मशीन्स बताई थी, और उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है जनरली। इसमें एक और पॉइंट है जो हम आगे भी देखेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग हाई करंट को लेकर के जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का एक और मेन पॉइंट था क्या कि हाई करंट को लेकर के जाता है। देखिए अब डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखें, तो डीसी मशीन है ये अपना, और यहाँ पे बाहर की तरफ भी आपका योक जैसा इसका डायग्राम रहेगा। चलिए ये बीच वाला, और इसी के ऊपर हम लोग पोल्स का भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। पोल के कंस्ट्रक्शन के साथ अंदर में पोल्स, लैमिनेटेड आर्मेचर और ये सारी चीजें बनाएंगे। तो सबसे पहला देखिए एसी में लैमिनेशन के साथ हम लोग बनाते चलते हैं, थोड़ा डायग्राम ठीक से बनाएंगे ताकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इससे रिलेटेड वो हमारा कवर हो जाए। इसमें इंटरपोल्स की वाइंडिंग होगी, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर अपना योक कहलाता है जो कि उसके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये इंटरपोल्स, अभी हम लोग पोल्स बना रहे हैं, पोल्स के बनाने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ये हुआ, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पोल्स कौन से होंगे, मतलब इंटरपोल वाइंडिंग्स है और इंटरपोल्स हैं, तो ये सब बीच में इंटरपोल्स हैं ये जो हमें दिख रहे हैं, और इसी के बीच में हम लोग लगाते हैं क्या इंटरपोल वाइंडिंग, यहाँ पे इंटरपोल वाइंडिंग्स रहती है, तो वो भी मैं आपको शो करके बता देता हूँ। इसी के बीच में हमारे पास इंटरपोल वाइंडिंग्स भी रहेंगी, यहाँ पे है इंटरपोल वाइंडिंग, इसे बोलते हैं इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग के साथ ये है अपना इंटरपोल, अब इन सब का हम लोग फंक्शन भी देखेंगे कि होता क्या है इंटरपोल का फंक्शन। इंटरपोल के बाद ये आ जाता है योक, बाहर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग योक बोलते हैं। योक बोलने के बाद फील्ड वाइंडिंग्स भी है जो कि बीच में रहेगी, फील्ड पोल्स, फील्ड वाइंडिंग्स। फील्ड वाइंडिंग्स हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग के पास। ठीक है, तो यहीं पे फील्ड वाइंडिंग इसी के ऊपर रहती है, इसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फिर आ जाएगा अपना फील्ड पोल, इसी को फील्ड पोल भी बोलेंगे, फील्ड का पोल है, फील्ड पोल के बाद दिस इज आवर योक मैकेनिकल स्ट्रक्चर, योक है ये जो कि स्टेटर को एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। योक, योक जनरली अपना स्मॉल मशीन्स में आयरन का बना हुआ होता है, और लार्ज मशीन में क्योंकि हम लोग छोटे मशीन्स में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, अगर छोटा मशीन ही बहुत महंगा बन जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको आयरन का बनाते हैं। और जब बिग बड़े मशीन्स की बात करेंगे तो लार्ज मशीन्स में हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं जो कि योक, जिसका कि योक स्टेटर का अपना बॉडी पार्ट बना हुआ होता है। अब इंटरपोल्स हमने देखा, इंटरपोल का भी फंक्शन देखेंगे, इंटरपोल और इंटरपोल वाइंडिंग का, फील्ड पोल के बारे में भी। लैमिनेटेड आर्मेचर है, तो लैमिनेटेड आर्मेचर कोर अपना बीच में होता है और उसी के अंदर में स्पाइडर जैसा स्ट्रक्चर भी होगा,
तो आर्मेचर कोर और लेमिनेटेड आर्मेचर वाइंडिंग भी, देखिए बीच में यहां पे बना करके दिखा देते हैं कि ये है आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर इसी को बोलेंगे, आर्मेचर कोर है अपना, तो दिस इज आर्मेचर कोर, और आर्मेचर वाइंडिंग भी इसी के ऊपर रहती है ना। मान लीजिए ये इसके शूज एक दांत की तरह है छोटे, तो इसमें मैंने थोड़े पोर्शंस को आपको बना के दिखा दिया है, अदरवाइज इसमें रहता नहीं है पूरा वैसे। तो आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर के बाद दिस इज आवर आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर कोर, और यहाँ पे यही आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर इंटरपोल वाइंडिंग देख लिया, योक भी देख लिया हम लोगों ने, इसको हटा देते हैं, योक लेमिनेटेड। अब स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स के साथ बेस है ये अपना, और पोल शू भी हम लोग बीच में लगाते हैं, जिसको इधर ही आप पोल शू भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पोल शू है। पोल शू का क्या काम होता है, और ये होता है बेस अपना नॉर्मल, ठीक है। तो ये अपना डीसी मशीन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने डायग्राम बना के देखा। अगर कंस्ट्रक्शन आता है डीसी मशीन का, तो हमें ये सारे चीज़ों का लेवलिंग भी करना है, लेवलिंग करने के साथ उसे बताना भी है, उसे पूरा डिस्क्राइब करेंगे। योक का फ्रेम भी हमने बता दिया, इंटरपोल बताया, इंटरपोल वाइंडिंग, फील्ड पोल्स भी देखिए, फील्ड पोल्स भी यहाँ की तरफ होती हैं, फील्ड वाइंडिंग भी बता दिया। पोल शू है, पोल शू का भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, फील्ड पोल का क्या यूज होता है, योक का क्या होगा, इंटरपोल वाइंडिंग का क्या होगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग हर टॉपिक को डिस्क्राइब कर पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में। तो इसमें दो पार्ट्स थे, एक था स्टेटर जो कि बाहर की तरफ का है, और अंदर है रोटर, जिसको हम लोग आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, इसी को रोटर का नाम देंगे, जो कि रोटर मूविंग पार्ट होता है और स्टेटर अपना स्टैटिक पार्ट होता है। तो स्टैटिक पार्ट बाहर की तरफ होगा जो कि ये है, और रोटर अंदर की तरफ होगा जो कि यहाँ पे रहता है, यहीं पे रोटर वाइंडिंग भी रहेगी, यहीं पे अपना आर्मेचर कोर भी रहेगा, ठीक है, और आर्मेचर रोटर भी आर्मेचर वाइंडिंग भी रहेगी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन में कि फील्ड वाइंडिंग्स ऑफ डीसी मशीन में ये स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे रहेगा, स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग किधर की तरफ रहते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग का हमने बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग रोटर के ऊपर रहता है, और आर्मेचर के बाद जो फील्ड वाइंडिंग रहती है, फील्ड वाइंडिंग अपना स्टेटर की तरफ रहता है, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ों को क्लासिफाई किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटर के पोर्शन पे भी है, तो ये अपना फील्ड वाइंडिंग कहलाया, और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर की तरफ है, इसीलिए इसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब फील्ड वाइंडिंग के बारे में पहले पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। अच्छा, इसी में कम्यूटेटर का भी यूज होता है, तो कम्यूटेटर के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटर का मेन काम क्या है। कम्यूटेटर जनरली एसी को डीसी में कन्वर्जन कराने में यूज होगा, और वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर, बाहर में पोल शू भी लगे हुए रहते हैं, ब्रशेस रहती है, ब्रशेस के साथ स्प्रिंग अटैच रहता है, ताकि जो सर्किट है अपना वो कंप्लीट हो रहे हमेशा, क्योंकि वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो भी हम आगे की तरफ देखेंगे। उसमें जनरली होता क्या है, बाहर में जब हम लोग उसको अटैच करते हैं ब्रश को, तो वो मूविंग पार्ट के ऊपर होता है, जो मूव होता है पार्ट, ठीक है, मूविंग पार्ट के ऊपर रहेगा तो ब्रश को जनरली आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश करता है, इसीलिए हम लोग एंड में लगा देते हैं स्प्रिंग, ताकि स्प्रिंग उसको अटैच्ड अपने उधर की तरफ पुश करके ही रखे, क्योंकि उसकी वेयरिंग एंड टियरिंग भी होती रहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तो स्प्रिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट, अगर वो बाहर की तरफ चला गया तो शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करने लगता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे स्प्रिंग लगाते हैं, ताकि वो शॉर्ट ना हो, शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव ना करे, अपना सर्किट कंप्लीट रहे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे डीसी मशीन में, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के बारे में तो देख लिया था, योक देख लेते हैं, योक का क्या काम क्या होता है। तो पहला टॉपिक है इसमें, वो है योक, फर्स्ट पॉइंट। देखिए योक का काम होता है, ये बाहर में आपको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, जिसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं, ठीक, और
फ्लक्स के पाथ को डिवाइड कराने का भी काम करता है। मान लीजिए फ्लक्स आ रहा है फाई, तो फाई बाई टू इसके पूरे पाथ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें योग में ध्यान देना है कि ये योग का पोर्शन है। योग क्या काम करेगा, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ दिलाने का काम करेगा, दूसरा फ्लक्स के पाथ को, फ्लक्स ऑफ द पाथ विल बी डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ योग। ठीक है, जैसे फाइव बाई टू है तो ये पाथ प्रोवाइड करता है पोल फ्लक्स का और हाफ फ्लक्स को कैरी करता है। तो इट प्रोवाइड्स द पाथ, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि इट प्रोवाइड्स द पाथ फॉर, इट प्रोवाइड्स द पाथ फॉर द पोल फ्लक्स, पोल फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा एंड पोल फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड कराने के साथ साथ क्या करता है, फाइव बाई टू फ्लक्स को ये कैरी भी करता है। ठीक है, तो कैरीज हाफ ऑफ द फ्लक्स, दैट इज फाइव बाई टू एंड इट कैरीज कैरीज हाफ ऑफ द फ्लक्स, हाफ ऑफ द फ्लक्स दैट इज फाइव बाई टू, हाफ ऑफ द फ्लक्स को ये कैरी भी करेगा। ये पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं क्या कि ये पाथ एक तो प्रोवाइड कराया पोल फ्लक्स, तो यहाँ पे फाई लिख देंगे, दिस इज फाई एंड इट कैरीज हाफ ऑफ द फ्लक्स दैट इज फाइव बाई टू। सेकेंड क्या होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा होल मशीन्स को। ये भी हम लोग सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द होल मशीन। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगा पूरे के पूरे मशीन को। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया कि इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द होल मशीन। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के साथ इसका एक और क्या मेन पॉइंट है कि डीसी मशीन कास्ट आयरन का, अभी मैंने आपको बताया भी था कि छोटे मशीन में बजट कम होता है, तो कास्ट आयरन का बना हुआ था है योक, तो योक इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन इज स्मॉल मशीन, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन इन स्मॉल मशीन्स स्मॉल मशीन में कास्ट आयरन का बना हुआ होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन इन स्मॉल मशीन। और हम लोग स्टेनलेस स्टील का इसको बना सकते हैं क्या, तो फैब्रिकेटेड स्टील का इसको प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर लार्ज मशीन एंड बाय फैब्रिकेटेड स्टील, फॉर फैब्रिकेटेड स्टील फॉर लार्ज मशीन्स, लार्ज मशीन के लिए ये फैब्रिकेटेड स्टील का भी बना हुआ होता है। तो ये हमने योक का देख लिया पोर्शन। एक लास्ट पॉइंट इसमें ये भी आता है, मान लीजिए किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है जनरली तो हम इसे लैमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी स्ट्रक्चर में इसका मेन कोई एक बीच में पोर्शन आता है कि डीसी मशीन का योग के टर्म्स में हमें लेना है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, इसका लैमिनेशन करते हैं। तो ये भी हम ध्यान देंगे कि इफ वी आर यूजिंग इट इन एनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अगर इसको कहीं पर हम लोग यूज करेंगे तो इसका लैमिनेशन भी होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। एक लास्ट पॉइंट इसमें ये भी है कि इफ डीसी मशीन इज ऑपरेटेड थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर then the if DC machine is used through any power electronics converter then we will laminate it. DC machine is used in any power electronics converter, power electronics converter then we will laminate it,
ठीक, इसका लेमिनेशन हो जाएगा फिर योक का। तो ये एक और पॉइंट आ गया कि योक में अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में हम लोग यूज करेंगे बीच में तो इसका लेमिनेशन इज मस्ट। तो ये एक चीज हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं योक के बाद क्या। अच्छा, एक चीज और है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीच में। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिकल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल फॉर्म, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैग्नेटिक फॉर्म। तो बीच में मैग्नेटिक फॉर्म जरूर आएगा। तो फर्स्ट रहता है इलेक्ट्रिकल, बीच में रहता है मैग्नेटिक, और थर्ड होता है फाइनल जा करके मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्जन। तो ये एक ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, योग के बाद हम लोग आएंगे चलिए फील्ड पोल्स के बारे में देखते हैं। तो फील्ड पोल क्या करता है, पोल कोर और पोल शू। फील्ड पोल में पोल कोर और पोल शू होते हैं दो। तो ये होगा अपना सेकंड फील्ड पोल। फील्ड पोल इसमें होते हैं दो पार्ट्स, फील्ड कोर एंड पोल शू। फील्ड पोल होगा और पोल शू या फिर पोल कोर बोल सकते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ पोल शू एंड पोल कोर, पोल शू एंड पोल कोर। देखिए पोल शू का काम क्या होता है, फ्लक्स को क्रिएट कराना। तो पोल शू का सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि क्रिएशन ऑफ फ्लक्स, और पोल कोर का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इट वर्क्स इन और इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ फ्लक्स, इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के क्रिएशन के लिए इसका यूज करेंगे। और पोल कोर का यूज क्या होता है, इट हेल्प्स इन पोल शू हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ फ्लक्स एंड पोल कोर हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। तो इसका दूसरा काम होगा अपना कि एक क्रिएट कराता है फ्लक्स को, और दूसरा क्या करेगा, उसी फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट कराने में काम करेगा, दैट इज आवर फील्ड पोल। फील्ड पोल का अब एक और पॉइंट क्या होगा कि ये भी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है पोल कोर, जबकि पोल शू वो लैमिनेटेड होता है, लैमिनेटेड फॉर्म में होगा। तो इट इज मेड अप ऑफ पोल शू, पोल कोर इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। तो यहाँ पे ये पॉइंट और ध्यान दे देंगे कि इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। यहाँ पे एक ये पॉइंट कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, उसका लैमिनेशन होता है। बाकी पोल शू का सिंपल फॉर्म में देखेंगे कि लैमिनेशन की तरह यूज होगा, लैमिनेटेड एंड फिक्स्ड पोल टू पोल कोर अप्रोप्रिएटली। ठीक, पोल शू इज लैमिनेटेड, लैमिनेटेड फॉर्म में होगा। तो ये हम लोगों ने फील्ड पोल के बारे में देख लिया। फील्ड पोल क्या होता है, जो दोनों की दोनों पोल शू और पोल कोर किस फॉर्म में होते हैं, तो लैमिनेटेड फॉर्म में होते हैं। पोल कोर एंड पोल शू बोथ पोल कोर, बोथ पोल कोर एंड पोल शू, पोल शू आर इन द फॉर्म ऑफ, आर इन लैमिनेटेड फॉर्म। वो किस फॉर्म में होगा, लैमिनेटेड फॉर्म में होगा। बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेशन, लैमिनेटेड रहता है दोनों। ये कास्ट आयरन का बना हुआ होगा, ये भी लैमिनेटेड फॉर्म में, और पोल कोर भी लैमिनेटेड फॉर्म में रहेगा। तो ये हम लोगों ने फील्ड पोल के बारे में देख लिया। फील्ड पोल के बाद हम लोग आ जाते हैं फील्ड वाइंडिंग के लिए कि फील्ड वाइंडिंग का क्या काम होगा। चलिए
फील्ड वाइंडिंग का देखते हैं। फील्ड वाइंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। फील्ड वाइंडिंग क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट, दिस फर्स्ट पॉइंट इज, ये तो हम लोगों को पता ही है कि इसका मेन काम होता है फ्लक्स को क्रिएट कराना। इसी के फ्लक्स के क्रिएशन से ही जो है मूविंग, फ्लक्स का क्रिएट होगा, क्रिएशन होगा तो पार्ट्स अपने मूव होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग अपना स्टेटर पे लैमिनेटेड होता है, तो फील्ड वाइंडिंग इज प्रेजेंट ऑन स्टेटर, ठीक है। द पोल एक्साइटेड बाय वाइंडिंग वाउंड अराउंड पोल कोर, ठीक। This pole, the pole is excited by a winding that is wound around a pole core. तो ये पहला point होगा कि pole is excited by winding. The pole is excited by a winding that is wound around a pole core. That is wound around a pole core. एक पोल कोर के ऊपर wound around होगा, तो the pole core is excited by winding that is wound around a pole core. और ये किसका form? Generally winding का देखेंगे भी तो winding किसका बना हुआ होता है? Copper का बना हुआ होता है, तो ये हम ध्यान देंगे इसमें भी कि it is generally made up of copper. किसका बना हुआ होगा? Copper का. तो second form हम लोग क्या लिख लेंगे कि it is made up of कॉपर, कॉपर का भी ये बना हुआ होता है। तो पोल एक्साइटेड बाय वाइंडिंग दैट इज वाउंड अराउंड अ पोल, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर का बना हुआ होगा पोल वाइंडिंग, ठीक है। थर्ड में फील्ड वाइंडिंग के थर्ड पॉइंट में आ जाएगा क्या कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, क्रॉस सेक्शन होगा, वो डीसी मशीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उसका नंबर ऑफ वाइंडिंग कैसा है, उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा हाई होगा। तो एक कंस्ट्रक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे अभी डीसी मशीन के दो तीन टाइप्स, तीन टाइप्स होते हैं जनरली, एक होगा सीरीज, दूसरा होगा शंट डीसी मशीन और तीसरा होगा कंपाउंड डीसी। तो सीरीज के फॉर्म में कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर, हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे फील्ड वाइंडिंग का, नंबर ऑफ टर्न्स के बाद देखते हैं कि करंट वो कितना कैरी करता है, ये भी हम लोग इसी के स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो देखिए थर्ड पॉइंट ऊपर से ही शुरू करेंगे, थोड़ा लंबा है, तो वहां पे समझेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स और क्रॉस सेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग वो किस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट, तो देखिए इसके बाद अपना आएगा पॉइंट क्या, नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग depends upon वो उसके किस कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, आपका सीरीज है कि शंट है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अभी उसी को एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे कि डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डीसी मशीन, ये भी लिख लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ, किस टाइप का डीसी मशीन है, देखिए। तो सबसे पहला इसमें क्या पॉइंट होगा, सीरीज मशीन के बारे में देखते हैं, सीरीज मशीन कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट इज आवर सीरीज डीसी मशीन का इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग
और फील्ड वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डीसी मशीन। सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है और शंट में, तो पहले शंट का देखते हैं। शंट जनरली क्या होगा, जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है वो टर्मिनल्स जो होते हैं उससे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड होने का मतलब क्या हुआ कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो बहुत ही हाई होता है। तो हम लोग वहां से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला देखेंगे क्या कि शंट डीसी मशीन के केस में ये कैसा होगा। ठीक, तो दिस इज आवर शंट डीसी मशीन, शंट डीसी मशीन। शंट डीसी मशीन में मैंने क्या बताया कि टर्मिनल वोल्टेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड होगा। शंट डीसी मशीन इज पैरेलली कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल, उसके मतलब टर्मिनल वोल्टेज से जो टर्न्स होंगे, वाइंडिंग होगी, वो पैरेलली कनेक्टेड होती है शंट डीसी मशीन में। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है और स्मॉल क्रॉस सेक्शन होता है। यहाँ पे ये हम ध्यान देंगे, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो गया और स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हो गया। तो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यों होता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न, ये भी देख लें। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न, आपको मैंने बताया कि वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज है और टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज होंगे इसमें। ठीक है, अब कंडक्टर में जब नंबर ऑफ टर्न्स अपना बढ़ गया तो उसके साथ क्या हो गया, कंडक्टर का लेंथ बढ़ रहा है। तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस भी उसका अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने से क्या हो रहा है, मतलब जनरली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल होगा। टर्मिनल वोल्टेज मैंने बताया, टर्मिनल वोल्टेज इज वेरी मच इंक्रीज्ड एंड एन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इंक्रीज्ड। तो उस फॉर्म में हम लोग आगे क्या देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गया तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी इंक्रीज्ड। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। When length of the conductor will be increased, तब हम लोग क्या देखेंगे कि voltage terminal बढ़ गया, number of turns बढ़ गया, number of conductors, length of the conductor is also increased. When length of the conductor is increased, then the resistance of the conductor will also increase. तो यहाँ पे एक और point क्या आ जाएगा कि resistance is also increased. High resistance है तो इसीलिए हम लोग फील्ड करंट का बहुत ही छोटा सा पोर्शन यहां से फ्लो करेगा। तो एक पॉइंट ये भी आ जाएगा कि रेजिस्टेंस इज वेरी मच हाई, रेजिस्टेंस इज हाई, और रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हम लोग क्या लिखते हैं, हेंस फील्ड करंट देयर विल बी, हेंस देयर will be smaller, small कौन सा current होगा, and hence there will be small current, small field current, smaller current, जो current होगा वो भी क्या हो जाएगा अपना काफी small ही flow करेगा, उसमें current की value भी ज्यादा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने shunt machines में देख लिया क्या कि हाई रेजिस्टेंस होने के कारण फील्ड करंट जो होगा, देयर विल बी स्मॉलर फील्ड करंट, यहाँ पे लिख लेंगे देयर विल बी स्मॉलर फील्ड करंट। ये पॉइंट्स हो गए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शंट मशीन से रिलेटेड। शंट डीसी मशीन में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी कारण से होता है। टर्मिनल बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। हमें MMF को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट को डिक्रीज करेंगे, और करंट को डिक्रीज कर दिए तो फील्ड करंट भी अपना काफी स्मॉल ही रह गया। अब आ जाते हैं शंट डीसी मशीन के बाद किसमें, सीरीज में। तो सीरीज डीसी मशीन में देखते हैं, यहां पे हम लोग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज करेंगे। तो दैट विल बी फॉर व्हिच पोर्शन, दैट विल बी फॉर डीसी मशीन। तो वो नेक्स्ट पोर्शन में आ जाता है,
डीसी मशीन में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और लार्ज करंट भी उस लार्ज करंट उसमें फ्लो करेगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा इसमें देखिए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों होगा। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कहने का मतलब इसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कंडक्टर्स के बढ़ने के साथ बढ़ रही है, तो करंट जब हम लोग सीरीज जब हमने शंट मशीन में देखा था उसका फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्टेड है, वहां पे वोल्टेज की वैल्यू काफी बढ़ गई और वोल्टेज के बढ़ने के साथ नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कंडक्टर वहां पे भी बढ़ रहा है, उसका लेंथ बढ़ा है यानी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डीसी मशीन में कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है और क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल हो गया था, वहां पे हम लोग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज कर रहे थे और करंट की वैल्यू भी काफी कम थी क्योंकि हमें एमएमएफ कांस्टेंट रखना था, तो एन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो क्रॉस आई की वैल्यू हम लोगों ने डिक्रीज कर दी थी। इस केस में क्या होता है, डीसी मशीन के केस में, डीसी मशीन में सीरीज डीसी सीरीज मशीन में डीसी मशीन ही डीसी सीरीज मशीन के केस में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बताया ही, दूसरा पॉइंट क्या कि ये करंट जो होगा आर्मेचर करंट वो काफी हाई कैरी करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण, ठीक है, जो कि इंप्लाइज करता है आपका रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो जाएगा, ठीक है, तो इट कैरीज हाई करंट, ये हाई करंट कैरी करेगा, इट कैरीज हाई करंट और हाई करंट कैरी करने के साथ साथ क्या करता है, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण क्या करता है, आर्मेचर करंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई होगा, लो रेजिस्टेंस होगा तो लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा और लेस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ टर्न्स और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, लार्ज नहीं लेस नंबर ऑफ टर्न्स है, लेसर नंबर ऑफ टर्न्स एंड लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि यहाँ पे इट कैरीज हाई करंट, हाई आर्मेचर करंट लिख लेंगे, हाई आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड, तो हेंस नंबर ऑफ टर्न्स भी बोल सकते हैं क्या है इसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स विल बी डिक्रीज, वो आगे आकर के यहाँ पे हाई करंट के आर्मेचर करंट के कारण लो रेजिस्टेंस के कारण लेस वोल्टेज ड्रॉप, हेंस लो रेजिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ द लो रेजिस्टेंस द क्रॉस सेक्शनल एरिया वोल्टेज ड्रॉप विल बी लेस, low resistance and because of low resistance cross sectional area will be sorry voltage drop will be lesser वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कम होने के साथ क्या होगा, इट कैरीज हाई आर्मेचर करंट, हेंस लो रेजिस्टेंस के साथ बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप विल बी लेसर, और वोल्टेज ड्रॉप अगर कम हो गया तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, लेसर वोल्टेज ड्रॉप विल बी लेसर एंड नंबर ऑफ टर्न्स, फिर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इंक्रीज, तो लो रेजिस्टेंस लो वोल्टेज ड्रॉप एंड हेंस लेस नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ होने के कारण लेस नंबर ऑफ टर्न्स एंड हेंस लेसर नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हियर। चलिए तो
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था डीसी सीरीज मशीन में, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, डीसी शंट में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा होने का कारण ये था, वहां पे लो करंट था, यहाँ पे बहुत ही हाई करंट है, हाई करंट आर्मेचर करंट है और लो रेजिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी काफी लेसर है, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं लेस नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे। अब आगे आ जाते हैं फील्ड वाइंडिंग, डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बाद इंटरपोल्स के बारे में देखेंगे, फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, ब्रशेस क्या होते हैं। तो पहला अब इसके बाद आ जाएगा इंटरपोल्स। चलिए इंटरपोल्स का देखें कि इंटरपोल्स का यूज क्या है। ये अभी हम लोग डीसी मशीन का बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक मतलब अगर उसका कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में उसका फंक्शन हमें पता होगा और ईएमएफ इक्वेशंस हैं कुछ, वो हम लोग देख लेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें अपने लिए काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो हम लोग अब इंटरपोल्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉट इज़ द मेन फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ इंटरपोल्स। ये मेन पोल डीसी मशीन के मेन पोल और योक के बीच में फिक्स्ड रहता है इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल हमने डायग्राम जो शुरू में देखा था वहां पे एक बार देख लीजिएगा, तो दैट इज इंटरपोल। इंटरपोल इज फिक्स्ड बिटवीन, इट इज फिक्स्ड बिटवीन योक एंड मेन, मेन पोल जो है उसके बीच में और योक के बीच में, फिक्स्ड टू योक इन बिटवीन मेन पोल्स ऑफ डीसी मशीन। इट इज फिक्स्ड टू योक इन बिटवीन मेन पोल्स। ये योक पे फिक्स्ड होगा और इन बिटवीन कहां पे है, इट इज फिक्स्ड टू योक इन बिटवीन मेन पोल्स ऑफ डीसी मशीन, इन बिटवीन मेन पोल्स ऑफ डीसी मशीन के मेन पोल्स के बीच में ये क्या है, फिक्स्ड है। तो दिस इज इंटरपोल, फर्स्ट इंटरपोल के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे अब इसमें, देखिए इट इज फिक्स्ड टू योक इन बिटवीन मेन पोल्स ऑफ डीसी मशीन। दूसरा इंटरपोल का मेन काम क्या होता है कि इसमें तो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ही होते हैं, ये टेपर्ड होता है आपका सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, जिसका बॉटम वाइडर होता है ताकि मैग्नेटिक सैचुरेशन को अवॉइड कर सके। जनरली हमने देखा भी है कि मैग्नेटिक सैचुरेशन को अवॉइड कराने के लिए ये टेपर्ड फॉर्म में होगा और बॉटम काफ़ी वाइडर होता है ताकि टू अवॉइड द सैचुरेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख लेंगे कि इट्स बॉटम इज इन, ये लिखेंगे टेपर्ड फ्रॉम बॉटम एंड टेपर्ड विथ सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइडर एट बॉटम, टेपर्ड एट सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया टेपर्ड एट सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वाइडर एट बॉटम, वाइडर एट बॉटम, बॉटम में काफी वाइडर होता है और वाइडर होने का कारण क्या है, नीचे में फैला हुआ क्यों है, ताकि ये सैचुरेशन को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे, एंड वाइडर एट बॉटम टू अवॉइड द, टू अवॉइड सैचुरेशन, सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो टेपर्ड एट सफिशियंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वाइडर एट बॉटम टू अवॉइड सैचुरेशन। कौन सा सैचुरेशन, मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन भी यहां पे लिख लेंगे कि टू अवॉइड मैग्नेटिक सैचुरेशन वी यूज दिस। थर्ड पॉइंट आ जाएगा अपना क्या, इसी में इंटरपोल्स में ही हमने ये देख लिया। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है कि इंटरपोल फ्यू टर्न्स थिक वायर के कंजिस्ट करता है जो कि सीरीज में होता है आर्मेचर के, ठीक है। तो इट कंजिस्ट ऑफ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। इट कंजिस्ट ऑफ फ्यू
टर्न्स ऑफ थिक वायर, टर्न्स ऑफ थिक वायर, फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर के साथ क्या, कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर दैट इज कनेक्टेड टू द इन सीरीज विद द आर्मेचर, दैट इज कनेक्टेड टू द सीरीज ऑफ द आर्मेचर, सीरीज ऑफ द आर्मेचर। चलिए तो ये एक और मेन पॉइंट आ गया यहां पे। तो हमने इंटरपोल्स के बारे में भी देख लिया, इंटरपोल वाइडर होता है ताकि वो मैग्नेटिक सैचुरेशन को खत्म कर सके, इसका मेन पॉइंट है। दूसरा ये कि थिक वायर, मोटे वायर्स भी रहते हैं और उनका नंबर ऑफ टर्न्स काफी कम है। नंबर ऑफ टर्न्स कम होने का कारण क्या है, ये आपका आर्मेचर के साथ सीरीज में भी कनेक्टेड है, तो दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एम एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो दैट इज एम एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, आर्मेचर करंट के साथ ये प्रोपोर्शनल होता है, आर्मेचर करंट के साथ एम एम एफ क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इंटरपोल का हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरपोल के बाद क्या, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो चलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग देखते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होगा, उसका काम क्या है, व्हाट इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंपनसेटिंग, हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते ही क्यों है उसके बारे में देखते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मेन काम क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को अगर हमें रिड्यूस कराना है तो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कराने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग नेक्स्ट आ जाएगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के टर्म्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो है, तो इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द डीसी मशीन। जो आर्मेचर रिएक्शन है अगर उसको हमें रिड्यूस कराना है तो हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे, और ये प्लेस होता है स्लॉट कट्स के, मतलब पोल्स के स्लॉट कट्स के बीच में। देखिए जैसे कि यहां पे ये है अपना फॉर्म, ठीक है, और अगर हमने इसे इस फॉर्म में बनाया था इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, पोल्स जैसा हम बना रहे थे उस पोल के फॉर्म में बना रहेगा, और इसी कट्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे स्लॉट्स को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कट्स हैं, इसी को हमने कट कर दिया है, तीन चार कट्स बना लेंगे, ठीक, और यहां पे इसी के बीच में हम लोग क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग को प्रोवाइड कराते हैं। तो इट इज प्लेस्ड बिटवीन द कट्स ऑफ दिस पोल्स, ठीक, ताकि आर्मेचर रिएक्शन जो होगा मशीन का उसे हम रिड्यूस कर सकें। तो टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द डीसी मशीन वी आर यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज कि मशीन के पोल्स को हमने कट किया और उसके बीच में कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स को ऐसे रख दिया, और उसको रखने के कारण क्या हो रहा है अपना आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो इसको बोलेंगे प्लेस्ड इन स्लॉट कट्स एंड पोल्स ऑफ डीसी मशीन, प्लेस्ड इन स्लॉट कट्स, स्लॉट कट्स ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन के स्लॉट कट्स के बीच में प्लेस्ड है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, प्लेस्ड इन स्लॉट कट्स ऑफ डीसी मशीन, एंड सेकंड पॉइंट इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ हम लोग दूसरी चीज जोड़े, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द डीसी मशीन। तो इट हेल्प्स, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि होता क्या आगे, इट हेल्प्स टू
रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन ऑफ मशीन, ये एक पॉइंट और आ गया। तो प्लेस्ड इन स्लॉट्स ऑफ डीसी मशीन और इट हेल्प्स टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द मशीन। आर्मेचर रिएक्शन अगर मशीन का रिड्यूस करना हो तो उसमें भी, और ये लार्ज मशीन में जनरली यूज होता है, और सीरीज में आर्मेचर के साथ किससे कनेक्टेड रहता है, सीरीज में, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ये एक और पॉइंट लिख लेंगे, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, सीरीज विद द आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहने के साथ साथ क्या देख लेंगे कि इट इज यूज इन लार्ज डीसी मशीन्स। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स आर जनरली यूज इन लार्ज डीसी मशीन्स, इट इज यूज इन लार्ज डीसी मशीन्स। लार्ज डीसी मशीन्स में हम लोग कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं, तो ये भी हमने देख लिया। तो प्लेस्ड इन स्लॉट कट्स ऑफ डीसी मशीन्स, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द मशीन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे क्या कि कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, सीरीज आर्मेचर के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और फाइनल पॉइंट क्या है कि यूज इन लार्ज डीसी मशीन्स, इसको लार्ज डीसी मशीन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे, ब्रशेस के बारे में देखते हैं। तो ब्रशेस का क्या काम होगा, एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट देख रहे हैं ताकि डीसी मशीन के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हमें क्लियर हो जाए, तो उसके डिजाइनिंग के बारे में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रशेस। ब्रशेस के बारे में देखते हैं, ब्रश होता कहां पे है कनेक्टेड, ये भी देखेंगे, किस फॉर्म में होता है ये भी देखते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। मैंने शुरुआत में थोड़ा सा ब्रीफ इसका एनालिसिस किया और आपको बताया भी था कि ये होता, मतलब ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं किसके ऊपर होते हैं, तो स्प्रिंग, एक छोटा सा फॉर्म होता है जो कि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा। तो हाउस्ड इन बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर, इसको क्या बोलेंगे कि इट इज हाउस्ड इन ब्रश बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर हाउस्ड इन बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर विथ स्टेटर, ब्रश होल्डर बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर विथ किसके साथ, स्टेटर के साथ। ये इसका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, ये मैंने ब्रशेस के बारे में बताया अभी कि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। स्प्रिंग के साथ क्यों, ताकि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव ना करे, जब उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो घूमता रहता है बाहर ना चला जाए। तो ये बॉक्स फॉर्म में रहता है, इट इज हाउस्ड इन बॉक्स टाइप ब्रश फॉर्म अटैच टू द स्टेटर एंड कवर और योक, स्टेटर के एंड कवर के साथ और योक के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका क्या, हाउस्ड इन बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर एंड स्टेटर। इसके बाद ब्रश के बाद क्या हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट इसमें मेन, कि स्मॉल स्प्रिंग जो होते हैं वो कीप्स दैंग, मतलब उसको क्या करता है, कनेक्टेड प्रेस्ड रखता है कम्यूटेटर के साथ। तो स्मॉल स्प्रिंग्स हेल्प्स टू helps to keep connected with helps brushes to
कीप कनेक्टेड इट विथ, कनेक्टेड इट विथ, कनेक्टेड किसके साथ, कीप कनेक्टेड इट विथ ब्रशेस, ब्रशेस के साथ कनेक्टेड रखता है। तो इट इज हाउस्ड इन बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर विथ स्टेटर एंड कवर और योक। दूसरा हो जाता है स्मॉल स्प्रिंग हेल्प्स ब्रशेस टू कीप कनेक्टेड इट विथ ब्रशेस, ताकि वो ब्रशेस के साथ क्या कर सके, इसे कनेक्ट रख सके। ये बताया भी था देखिए कि कम्यूटेटर के साथ जब ये कनेक्टेड है इस फॉर्म में, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे, तो होता क्या है कि इसका कनेक्शन ये आपका घूमता रहेगा। जब मशीन घूमती रहती है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण ये बाहर की तरफ एग्जर्ट फोर्स करता है, तो इसीलिए स्प्रिंग के साथ हम इसे कनेक्टेड रहते हैं, ताकि कोई अगर ऐसा फोर्स भी आए तो स्प्रिंग क्या करे, इसको वापस से वहीं पे कनेक्टेड रखे। कनेक्टेड अगर नहीं रखेगा और ये बाहर की तरफ चला जाएगा तो उसका कॉन्टैक्ट लूज हो गया, तो ये क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सॉरी शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब सर्किट अपना कंप्लीट नहीं हुआ, एंड इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगाना इज वेरी मच कंपल्सरी। तो स्प्रिंग हम लोग लगा देते हैं, और ये जनरली बना किससे रहता है स्मॉल मशीन्स में, कार्बन से और इलेक्ट्रोग्रेफाइट फॉर ऑल एंड कॉपर ग्रेफाइट फॉर लो वोल्टेज हाई करंट। तो ये बना हुआ होता है आपका कार्बन का, कार्बन का फॉर स्मॉल मशीन्स, तो ये लिख लेंगे इट इज मेड अप ऑफ कार्बन इन स्मॉल मशीन, इट इज मेड ऑफ कार्बन, कार्बन ब्रशेस बोलते हैं, कार्बन इन स्मॉल मशीन्स, स्मॉलर मशीन्स। तो स्मॉलर मशीन्स में कार्बन किससे बना हुआ होगा, नेक्स्ट स्मॉलर मशीन में अगर कार्बन से बना हुआ है तो कार्बन ग्रेफाइट से बना हुआ होता है आपका, थोड़ा जो इससे बड़ा हुआ बड़ा वाला मशीन रहेगा तो इलेक्ट्रोग्रेफाइट से ये सारे के सारे मशीन्स को इलेक्ट्रोग्रेफाइट से बना देगा, और कॉपर ग्रेफाइट से लो वोल्टेज हाई करंट वाले डीसी मशीन्स को लो वोल्टेज हाई करंट डीसी मशीन्स आर मेड अप ऑफ कॉपर ग्रेफाइट ब्रशेस। कॉपर ग्रेफाइट ब्रशेस से मतलब ब्रशेस जो है ये पूरा का पूरा बना हुआ होता है, और सब का मतलब ब्रशेस का फॉर्म जो कि हर एक मशीन में हम लोग यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोग्रेफाइट का होगा, कॉपर ग्रेफाइट लो वोल्टेज हाई करंट में। अब आर्मेचर कोर के बारे में पढ़ते हैं, ब्रशेस के बारे में हमने देख लिया, इलेक्ट्रोग्रेफाइट लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोग्रेफाइट टाइप ब्रशेस आर यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका आर्मेचर कोर। चलिए आर्मेचर कोर का देखेंगे कि ब्रशेस के फॉर्म में वॉट इज आर्मेचर कोर, फिर आर्मेचर वाइंडिंग लास्ट है। आर्मेचर कोर के बारे में देखिए, आर्मेचर कोर का क्या काम कर होता है और आर्मेचर वाइंडिंग का हम लोग पूरा यूज देखेंगे। तो आर्मेचर कोर सबसे पहला तो व्हाट इज द यूज ऑफ आर्मेचर कोर इन दिस, आर्मेचर कोर का मेन काम क्या होगा, तो ये सर्व आपका कौन सा पर्पस करता है कि आर्मेचर कॉइल serves purpose of having armature coil in slots, it serves the purpose of having armature coil, जो armature coil का slots में होने का purpose होता है ये उसी को serve करेगा, तो it serves the purpose of armature coil in slots
आर्मेचर कोर आपका क्या होगा कि स्लॉट्स के फॉर्म में होगा, और ये कहाँ पे होता है, आर्मेचर कोर आपको बताया भी था स्टेटर आउटर पोर्शन पे, और आर्मेचर कोर होगा आपका एकदम इनसाइड, ये है आपका स्टेटर फॉर्म जो कि बेस के फॉर्म में योक को हम लोग बोलते थे, और यहाँ पे होगा आपका दिस इज आर्मेचर कोर। और आर्मेचर कोर के साथ हम लोगों ने इसी को स्लॉट्स के फॉर्म में बनाया था, स्लॉट्स के फॉर्म में मतलब ये इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जो दो तीन पूरे पॉइंट्स यहाँ पे दो तीन आपको बना करके दिखा दिया, और इसके बीच में यहीं पे हम लोग वाइंडिंग को लगाते हैं, दैट विल बी वाउंडेड ऑन दिस पोर्शन। ठीक, तो ये हो गया आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर का मेन पर्पस क्या होता है कि आर्मेचर कॉइल को वो आपको स्लॉट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। स्लॉट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराने का कारण, उसका मेन काम भी क्या होगा कि आर्मे जैसे वहां हम लोग पढ़ रहे थे कि नीचे वाइडर पोर्शन पोल को कर देते हैं ताकि वो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सके। आर्मेचर रिएक्शन होने से क्या होता है, मशीन का वियरिंग एंड टियरिंग ज्यादा होगा उस फॉर्म में। यहाँ पे भी हम लोग आर्मेचर कोर मतलब आर्मेचर को आर्मेचर कॉइल को स्लॉट्स में प्रोवाइड कराने का कारण ही यही है कि आर्मेचर रिएक्शन को वो क्या कर सके, रिड्यूस करा सके। तो हम देख लेंगे यहाँ पे इंटरनल बीच वाले पोर्शन पे आर्मेचर कोर के फॉर्म में रहेगा। दूसरा कि ये पोल शू और रिलक्टेंस पाथ जो होगा वो, रिलक्टेंस पाथ मतलब क्या कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का पाथ, जैसे कि कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाने के कारण रिलक्टेंस उसका क्या हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, तो रिलक्टेंस पाथ भी ये रिड्यूस कराता है, यानी कि 5/2 फ्लक्स को ही फ्लो कराएगा, तो रिलक्टेंस पाथ भी इस केस में क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें कि इट प्रोवाइड्स लेस रिलक्टेंस पाथ दैट कंजिस्ट ऑफ फाइव बाई टू फ्लक्स, वो क्या कराएगा, 5/2 फ्लक्स को ही फ्लो कराएगा। तो ये एक और पॉइंट है कि लो रिलक्टेंस पाथ फ्लो कराने का मतलब, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स भी इसमें कम ही यूज करेंगे हम लोग। अगर रिलक्टेंस पाथ बढ़ जाता है, रिलक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा, तो वहां से फ्लो कराना भी फ्लक्स को इजियर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 5/2 फ्लक्स का भी प्रोवाइड मतलब 5/2 फ्लक्स फ्लो होता है, इसीलिए ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराएगा। ये 0.35 mm से 0.50 mm तक थिक होता है और सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है। तो एक पॉइंट लास्ट में ये लिख लेंगे कि दिस इज 0.35 mm टू 0.50 mm थिक, ये थिक होगा इतना, और इतने थिक होने के साथ साथ इसमें एक पॉइंट और क्या लिख लेंगे, 0.3 mm से ये सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होगा। तो दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। आर्मेचर कोर अपना किससे बना हुआ होगा, सिलिकॉन स्टील से। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने देख लिया। आर्मेचर कोर भी मैंने बताया आपको, और आर्मेचर स्लॉट्स भी बता दिए, और आर्मेचर वाइंडिंग अब फाइनल पढ़ लेते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग किस टाइप का बना होगा, यहाँ हम लोग सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज करते हैं, कई बार ये भी एक दो नंबर के क्वेश्चंस में आता है, ताकि हम लोग आयरन लॉस को प्रोवाइड मतलब आयरन लॉस को रिड्यूस कर सके। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, टू रिड्यूस आयरन लॉसेस। तो ये एक पॉइंट और लिख लेंगे, टू रिड्यूस आयरन लॉसेस वी आर प्रोवाइडिंग इट विथ सिलिकन स्टील, दैट इज आर्मेचर कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकन स्टील। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग आर्मेचर कोर के बाद वाइंडिंग, दैट इज आवर आर्मेचर वाइंडिंग। चलिए आर्मेचर कोर देख लिया लास्ट में। आर्मेचर वाइंडिंग किससे होता है, कॉपर वाइंडिंग का ही जनरली बना हुआ होता है, ये हमें बेसिकली पता है कि कॉपर का होगा, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉइल्स होंगे, है ना, वन और मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉइल्स, नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉइल्स, ठीक है, एंड
वन और मोर नंबर ऑफ टर्न्स, वन और मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी हमें पता है. इट इज मेड अप ऑफ आर्मेचर, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग, यहां लिख लेना था, इसको ध्यान रखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक, दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग. और आर्मेचर वाइंडिंग के साथ हमने क्या लिखा, ये कॉपर का बना हुआ होता है, तो ये भी लिख लेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर से ही बना हुआ होगा. लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉइल्स एंड वन और मोर नंबर ऑफ टर्न्स, एक से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं. ये किससे कनेक्टेड होगा, सीरीज और पैरेलल में, ठीक है. तो ये कनेक्टेड, इसका कनेक्शन दोनों टाइप में होगा, आपका सीरीज कनेक्शन में भी होगा और पैरेलल कनेक्शन में भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन्स वी आर यूजिंग. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मशीन, हम लोग जिस टाइप का मशीन यूज करेंगे उस टाइप का इसका कनेक्शन होगा. तो इट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन शंट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मशीन, टाइप ऑफ मशीन्स वी आर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन वी आर यूजिंग, हम लोग जिस टाइप का मशीन यूज करेंगे उस टाइप का इसका कनेक्शन भी रख देंगे. तो आर्मेचर वाइंडिंग का एक ये भी पॉइंट है. और लास्ट में क्या कि दो कॉइल जो होंगे इसमें, टू कॉइल्स एंड्स ऑफ ईच कॉइल, जो कि कॉइल के एंड्स रहते हैं उनको हम कम्यूटेटर से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. तो एक पॉइंट ये भी कर लेंगे लास्ट में कि टू कॉइल्स, दैट इज द एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर अटैच्ड विद द कम्यूटेटर, टू कॉइल्स दैट इज द एंड्स ऑफ द कॉइल आर, टू कॉइल्स दैट इज द एंड ऑफ द कॉइल आर अटैच्ड टू द कम्यूटेटर. ये किसके साथ होगा, कम्यूटेटर के साथ ये अटैच रहता है. तो फाइनली अपना आर्मेचर वाइंडिंग का भी कंप्लीट हो गया. तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कोल, फील्ड वाइंडिंग देखा. फील्ड वाइंडिंग में कितने कितने, मतलब फील्ड वाइंडिंग हम लोग किस टाइप के मशीन्स में कैसा यूज करेंगे, जिसमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज होगा, और शंट और सीरीज मशीन में उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है शंट मशीन का क्या होगा और सीरीज मशीन. शंट मशीन में हम लोग देख लेते हैं क्या कि टर्मिनल वोल्टेज से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है. पोटेंशियल हाई होने के कारण उसका एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें लेस करंट हो जाएगा. तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि उसमें लेसर करंट के साथ साथ जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा शंट मशीन में और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रह जाएंगे. लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहने के साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. इसी का उल्टा हो जाता है आपका डीसी सीरीज मशीन में. डीसी सीरीज मशीन को देखने के बाद हम लोगों ने आगे एक आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में देखा. इंटरपोल्स का देखा कि इंटरपोल्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, इंटरपोल्स में भी उसका कनेक्शन कैसा होता है वो भी हम लोगों ने देखा कि इंटरपोलर वाइंडिंग जो होती है वो मतलब इंटरपोल्स, पोल्स के बीच में जो स्लॉट्स होते हैं वहाँ पे उनकी वाइंडिंग्स को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और उनको वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का नाम जिसे देते हैं. और ब्रशेस का भी कनेक्शन देखा कि उसे स्प्रिंग के साथ हम लोग रखेंगे. तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस हम लोगों ने कंप्लीट किया है.
और आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का तो बता ही दिया आप लोगों को कि जो रोटेटिंग मशीन्स होते हैं, मशीन को रोटेट कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम अपना फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड कराता है, जो कि फ्लक्स को कैरी कराएगा, फ्लक्स आपको प्रोवाइड कराएगा। और फ्लक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मशीन को रोटेट कराने में। और फील्ड वाइंडिंग को हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं आपका, वो आपको फील्ड वाइंडिंग हम लोग लगाते हैं आउटर पोर्शन में, और आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के पास लगाएंगे। एक स्टेटर और रोटर, और स्टेटर का हम लोग योक के फॉर्म में पढ़ ही चुके हैं कि योक का आउटर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटर के फॉर्म में बोलते हैं, और ये रोटर का फॉर्म जो होगा वो अंदर इंटरनल पार्ट पे होगा। वहीं पे आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर कोर भी है और आर्मेचर वाइंडिंग भी है, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग हमने एंड में देख लिया कि आर्मेचर वाइंडिंग में भी देखा कि कनेक्टेड होता है, वो दोनों टाइप से कनेक्टेड हो सकता है। किस टाइप का मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं टोटली वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दो कॉइल्स हैं जो कि दोनों कॉइल्स को हम लोग क्या करेंगे एंड में कम्यूटेटर के अटैच करेंगे। द कॉइल्स दैट इज द एंड्स ऑफ द कॉइल्स होता है, उसको हम लोग कम्यूटेटर के साथ क्या कर देंगे, कॉइल के एंड्स को, ईच कॉइल्स आर देन कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। अब एंड्स ऑफ कॉइल को देखने के बाद हम लोग आ जाएंगे आगे किसमें, एंड्स ऑफ कॉइल के बाद फॉर्म आ जाता है यहाँ पे फाइनल अपना ब्रशेस का। ब्रशेस और आर्मेचर कॉइल सर्व्स द पर्पस ऑफ हैविंग आर्मेचर कॉइल इन स्लॉट्स एंड प्रोवाइडिंग लो रिलक्टेंस पाथ, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट पाथ फॉर आर्मेचर कोर। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर इज प्रोवाइडिंग अस अ लेस रिलक्टेंस पाथ, दैट इज इट प्रोवाइड्स अ लेस रिलक्टेंस पाथ। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे फील्ड वाइंडिंग्स का हमें मालूम ही है, और पोल वाइंडिंग्स के बारे में। फील्ड वाइंडिंग और पोल वाइंडिंग भी हमने, फील्ड पोल्स भी बताया था आपको कि फील्ड पोल में पोल कोर होता है और पोल शू होता है। तो एक आपको मैं पूरा रिव्यू करा रहा हूँ पोल कोर और पोल शू का क्या था। पोल कोर कराता था क्रिएट अपना फ्लक्स को, और डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हम लोग पोल शू का यूज़ करते हैं। नीचे में पोल शू लगा हुआ रहता है ताकि वो फ्लक्स को क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, पूरे मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और उसको रोटेट कराना ईजिली हो अपने लिए। रोटेशन ऑफ द मशीन शुड बी ईजियर इन दैट फॉर्म, दैट इज़ द टॉर्क प्रोडक्शन इन रोटेटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में आएंगे, वो टॉर्क प्रोडक्शन होता है रोटेटिंग मशीन का। उससे पहले जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसके बारे में थोड़ा और पढ़ ले कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, उसका सैचुरेशन का और इंटरपोल्स का क्या इफेक्ट होता है मेन। तो इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में और एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग टॉर्क का प्रोडक्शन देखते हैं। टॉर्क के प्रोडक्शन से पहले आपको एक EMF इक्वेशन जो है वो हम लोग डिराइव करेंगे। अभी करते हैं EMF इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना EMF इक्वेशन है DC मशीन का, और EMF इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, और इसमें टाइप्स ऑफ मशीन भी देखेंगे हम लोग साथ में कि टाइप्स ऑफ मशीन में जैसे कि सीरीज मशीन है, शंट मशीन है, तो सेपरेटली एक्साइटेड है, और कम्युलेटिवली वाउंडेड मशीन है। तो ये चार पांच टाइप के कुछ मशीन्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन मतलब उनका सर्किट डायग्राम भी होता है, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग करते हैं सर्किट बना करके, वैसे ही यहाँ पे मशीन को बीच में लगाएंगे और उनकी वाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग शो करेंगे कि वो मशीन किस टाइप का होगा। जैसे कि मान लीजिए मशीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है अगर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सीरीज मशीन है, और अगर सेपरेटली कनेक्टेड है तो उसको शंट मशीन बोल देंगे। तो इस फॉर्म में रहेगा, दैट इज़ EMF इक्वेशन। चलिए EMF इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा EMF इक्वेशन में क्या, कि N को हम लोग जो इसमें टर्म्स का यूज़ करेंगे हम लोग, उससे पहले ड्राइव कर लेते हैं। दैट इज़ N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए N होता है, फाई होगा, फाई को जितना फ्लक्स कट करता है उसके लिए हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, दैट इज़ फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, ठीक है। फ्लक्स पर पोल के बाद एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, फिर इसके बाद आई भी होगा इसमें, जो कि आई अपना करंट इसमें जितना फ्लो कर रहा है, आई के लिए आई बाद में कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स देखते हैं, आई नहीं है,
नंबर ऑफ कंडक्टर्स है जो कि z के अकॉर्डिंग एन पी फाइव जेड बाई 60 ये लिखते हैं, तो n हो गया p के लिए नंबर ऑफ पोल्स आ जाएगा, फाइव जेड को हम लोग नंबर ऑफ कंडक्टर्स बोलते हैं, और a होता है अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये होगा नंबर ऑफ पोल्स। और नंबर ऑफ पोल्स भी हम लोग अलग अलग, जैसे लैप वाइंडिंग है और वेव वाइंडिंग है, तो लैप वाइंडिंग में क्या होगा, वेव वाइंडिंग में क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे कि n उसमें चेंज भी होता है, तो वो आगे चलेंगे। z इज नंबर ऑफ कंडक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं इसमें भी अलग अलग मशीन्स में, जैसे कि मान लीजिए पैरेलल पाथ्स हैं, तो उस पैरेलल पाथ में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, सिंगल पाथ है, सीरीज कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा, ए है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो ये आ गया अपना इतना फॉर्म, दैट इज एन फाइव पी जेड ए, एन पी फाइव जेड बाई 60 ए होता है अपना ई एम एफ का इक्वेशन। उसे हम डिराइव करने के लिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ए, अच्छा यहाँ पे लिख लेंगे कि ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, सॉरी ए इज नॉट नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो गया, ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, और नंबर ऑफ पैरेलल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दूसरी जगह, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा ये, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, वेव वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं, हम लोग दो करेंगे वेव वाइंडिंग के लिए, और लैप वाइंडिंग के लिए होगा आपका जितने नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स रहते हैं इसमें, तो ए इज इक्वल्स टू पी फॉर लैप वाइंडिंग हो जाता है। तो इन केस ऑफ लिख लेंगे, इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स किसके केस में, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आपका एक क्या होगा, ए विल बी इक्वल्स टू टू फॉर वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग के बाद ए इज इक्वल्स टू एन फॉर पी फॉर लैप वाइंडिंग, P हो जाएगा लैप वाइंडिंग। तो नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स पर पोल, P इज नंबर ऑफ पोल्स, Z इज नंबर ऑफ कंडक्टर, एंड A इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इज इक्वल्स टू टू फॉर वेव वाइंडिंग, एंड A इज इक्वल्स टू P फॉर लैप वाइंडिंग। ये हो गया अपना केस, ये EMF इक्वेशन है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग और देखते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो देखिए, फ्लक्स जब हम किसी भी एक पाथ का निकालते हैं तो उस फ्लक्स का डिपेंडेंट किस, मतलब फ्लक्स वो किस किस पे डिपेंडेंट है, अगर कोई भी कंडक्टर एक रिवॉल्यूशन में फ्लक्स को काट रहा है तो वो किस पे होगा, वो P इंटू फाई हम लोग लिख देते हैं कि फ्लक्स कट बाय अ कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन विल बी P फाई। तो यहाँ से हम लोग डेरिवेशन शुरू करेंगे और डेरिवेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन, flux cut in one revolution, एक revolution में flux कितना cut करेगा वो किसके ऊपर depend करेगा, तो flux cut in one revolution is P phi Weber, flux cut by conductor in one revolution is P phi, और इन टर्म्स ऑफ वेबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। P हमने देखा था कि P अपना नंबर ऑफ पोल्स है, और फाई क्या था, फ्लक्स, जितना हम लोग फ्लक्स काटेंगे फ्लक्स पर पोल, जो कि वेबर के ही टर्म्स में होता है ना। तो यहाँ पे आ गया अपना P फाई, दैट इज द फ्लक्स कट बाय कंडक्टर। अब टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा ये हम ड्राइव करेंगे, तो टाइम फॉर, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी 60 बाय एन।
ये अपना टाइम हम सेकंड्स में लिखेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स। ये 60/n आ गया, n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक रिवॉल्यूशन का, अब हम लोग फैराडेज लॉ से ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होता है एंड n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो E इज इक्वल टू d∅ dt के फॉर्म में भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू d∅ dt। ये भी हमें मालूम है, हमने कई बार इस फॉर्मूले का यूज किया है, तो ये E इज इक्वल टू d∅ dt होगा। और अब इसी में फ्लक्स और टाइम का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। फ्लक्स हमने लिख दिया था कि फ्लक्स कितना कट रहा है, दैट इज p∅, और टाइम का भी चेंज करेंगे 60/n से। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज p∅, एंड टाइम के लिए हमने लिख दिया 60/n, ये वैल्यूज रख दी। अब इसको हम ऊपर कर लें तो np∅/60 आया अभी अपना, ठीक। और ये है E का EMF, अपना अभी लिखा np∅/60, ये वोल्ट्स के टर्म में आया है। अब अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, अगर हमें नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज पर पैरेलल पाथ निकालना है तो वो क्या होगा, तो एक पॉइंट यहां पे ये भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज पर पैरेलल पाथ, पर पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू z/a होगा। तो दैट इज नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज पर पैरेलल पाथ, दैट इज z/a। अब हम लोग z/a की वैल्यू यहां पे पुट करें, z/a की वैल्यू जैसे E इज इक्वल्स टू d∅/dt है, ये हो गया p∅, और np∅/z/60। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स के टर्म में भी हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि ईएमएफ इक्वेशन है। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा एक आपके डीसी मशीन में, उसकी वैल्यू क्या होती है ईएमएफ के टर्म्स में, वो हम लिखेंगे। तो अब एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं, इन ए डीसी मशीन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज induced EMF in the form of in DC machine, DC machine में जो average induced EMF होगा in DC machine is what? तो average induced EMF in DC machine will be equals to EZ/A। ये अभी हमने बोला कि E अपना induced EMF है, और number of conductor in series पर parallel path Z/A होता है। तो number of conductor in series पर parallel paths के according हमने यहाँ पे value put कर दी, और E की value यहाँ पे put कर देंगे, that will be np∅z/60a। this is the most important equation of this, कि हमें average induced EMF निकालना था, तो हमने E की वैल्यू, स्मॉल E की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, और ये निकालने के बाद हमने यहाँ पे Z/A वैल्यू पुट कर दिया, तो एवरेज इंड्यूस्ड EMF निकल गया, दैट इज np∅z/60a। और इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ∅zn/60, और p/a को बाहर ले लिया। चलिए उसको थोड़ा, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करके देखते हैं क्या आता है, थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करेंगे। और A की वैल्यूज हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको ध्यान देंगे। लैप वाइंडिंग, और इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इज इक्वल्स टू 2 फॉर वेव वाइंडिंग है, और लैप वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग लिख ही लेते हैं, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इज इक्वल्स टू P था, जो कि नीचे भी मैंने बताया, और A इज इक्वल्स टू 2 कहाँ पे होगा आपका, वेव वाइंडिंग में। तो ये दो वैल्यूज को भी लिखेंगे। अब E को देखिए यहाँ पे और थोड़ा सब्सटीट्यूट करते हैं, np∅z/60, और वहाँ पे p/a को हमने अलग फॉर्म में लिखा है, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, np∅z/60, और उसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, p/a, और ये है आपका एवरेज इंड्यूस्ड EMF, जिसको EA के नाम से भी दे सकते हैं, और ये p/a टोटल वोल्ट्स के फॉर्म में हुआ। एक एक चीज़ हमें यहाँ से ये भी पता है कि N क्या है अपना, नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे फॉर्म में भी, और सॉरी यहाँ पे N होता है अपना, दैट इज नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, N इज द स्पीड, स्पीड ऑफ रोटर, जिसको हम लिखेंगे N इज द स्पीड ऑफ
रोटर वाइंडिंग। तो यहाँ पे स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू, जो कि स्पीड के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, एन का फॉर्मूला होता है 60 ओमेगा बाय 2 पाई मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में। तो एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, 60 ओमेगा बाय 2 पाई, ये होगा अपना स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, ओमेगा मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में ले रहे हैं अभी हम लोग, ये ध्यान देंगे, दैट इज ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड, मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में है। तो 60 ओमेगा बाय 2 पाई की वैल्यू हम एन की जगह पे पुट कर दें तो क्या आएगा, ई ए को, ई ए का फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, ई ए इज इक्वल्स टू फाई जेड बाय 60 पी बाय ए, फाई जेड बाय 60 पी बाय ए, और एन की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली पुट कर देते हैं और देखें कि फाइनल इसको छोटे फॉर्म में और हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ को। चलिए, दैट इज ई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है 60 ओमेगा बाय 2 पाई, तो एन की जगह पे 60 ओमेगा बाय 2 पाई हमने रख दिया, और फिर फाइनली फाई जेड पी बाय 60 ए है ही अपने पास, तो ये 60 हमने कैंसिल कर दिया। फाइनल के फाई ओमेगा एम होता है, ठीक। तो अब देखिए, फाई और ओमेगा बाहर की तरफ ले ली, और जेड पी बाय 2 पाई ए इतना पोर्शन बचा, इसी को हम लोग के कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब हम निकालेंगे तो इसे हम के कांस्टेंट के फॉर्म में ई इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम लिख देते हैं। तो ये एक शॉर्ट हो गया फॉर्म, और अगर आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में है, जेड दिया हुआ है जो कि पैरेलल कंडक्टर्स के नंबर हैं, पी है, ए है, 60 है, फाई है, इन सब की वैल्यूज अगर हमें मालूम है तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं आगे का फॉर्म। तो ई ए इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम इस टर्म में होगा, तो ई ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई ए विल बी इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम, ठीक। और के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जेड पी बाय 2 पाई ए, ये जेड है डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, ये हमने के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके रख दिया। इसी को मशीन कांस्टेंट भी बोलते हैं, दैट इज के इज आल्सो कॉल्ड एज मशीन कांस्टेंट। तो अगर ईएमएफ का इक्वेशन हमें डीसी मशीन में लिखने आता है तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला होगा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये कई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगा। तो इसको एक बार, और इसको, इन दोनों फॉर्म्स को हम काफ़ी अच्छे से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और ये आने वाले टाइम में हमें बहुत यूज आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पोर्शन इसी में पढ़ेंगे कि डेवलप्ड टॉर्क का क्या होगा फॉर्मूला। तो डेवलप्ड टॉर्क होता है जो कि पावर के फॉर्म में है, अगर P इज इक्वल्स टू वी आई हमने पढ़ा है बचपन से ही, 8-9 क्लास से ही हम लोग देखते हैं कि पावर का फॉर्म क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसको करंट के साथ जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब दैट इज आवर फॉर्म ऑफ P। तो P इज इक्वल्स टू ई इंटू आई ए कर दिया तो वो अपना हो गया पावर का फॉर्म, और पावर को अगर टॉर्क और स्पीड के फॉर्म में लिखना है तो P इज इक्वल्स टू टी ओमेगा होगा, और दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, यहीं से हम टॉर्क का इक्वेशन भी निकालते हैं। चलिए अब टॉर्क में आ जाएंगे, टॉर्क ऑफ डीसी मशीन वो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो N यहाँ पे स्पीड है, N पे कंफ्यूज नहीं होना है, N इज द स्पीड और A इज नॉट द क्रॉस सेक्शन, A इज द पैरेलल जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं उसी में पैरेलल पाथ्स के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में वैल्यूज अलग होंगी। चलिए अब टॉर्क में आ जाएंगे, टॉर्क, डेवलप्ड टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो डेवलप्ड टॉर्क की इक्वेशन देखिए, व्हाट इज द डेवलप्ड टॉर्क, टी इज इक्वल्स टू, हमने अभी पढ़ा था कि पावर को अगर लिखना है एवरेज पावर के फॉर्म में तो हम लोग जानते हैं इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इनटू आई,
ये हमें ऑलरेडी नोन है, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू ए इन टू आई। और एक फॉर्म क्या आता है आपका कि पी ए, और अगर टॉर्क और ओमेगा के फॉर्म में लिखना है तो टी इन टू ओमेगा होगा। ठीक, तो ये दो फॉर्म्स हमें पता है, ये ऑलरेडी नोन है, और ये हमें इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या करेंगे आगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, EAI is equals to T into omega. EAI T into omega के इक्वल आया, तो T into omega के टर्म्स में क्या हो जाएगा, फॉर्म देखिए EA का फॉर्म हमें क्या मालूम है, K phi omega m, और यहाँ पे I है और यहाँ पे T और यहाँ पे omega m यहाँ पे भी होगा, तो एक तरह से omega m अगर हम कैंसिल कर दें तो ये K phi आई ए के फॉर्म में हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना इक्वेशन का फॉर्म, दैट इज टी इज इक्वल टू के फाई आई ए, हम लोग आर्मेचर करंट यहाँ लिख देंगे। ये भी एक इक्वेशन है, मतलब किसके फॉर्म में डिराइव किया है हम लोगों ने, टॉर्क के फॉर्म में, और ये टॉर्क भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये भी अपने काफी काम आएगा, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कंपेरिजन करने में, कई इक्वेशंस को जैसे हम पैरेलल सीरीज शंट और मतलब शंट कंपाउंडेड मशीन्स को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, पैरेलल कर्व्स निकालेंगे, और कई बार मान लीजिए उनके हम लोग पावर कर्व निकालते हैं, ठीक है, टॉर्क और करंट का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, ई और करंट और मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो हम इन दोनों फार्मूला का, एक तो टॉर्क का यूज करेंगे, दूसरा ई इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम होता है, इसका भी यूज करेंगे, इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस और पॉइंट्स निकालते हैं। तो ये टॉर्क डेवलप्ड का आ गया। अब टॉर्क डेवलप्ड के बाद हम लोग आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स में। तो ये भी बताया था मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और उसमें हर इक्वेशन के लिए अपने अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम हम नेटवर्क का यूज़ करके क्या करते हैं, एक इक्वेशन डिराइव करेंगे हर आपके मशीन के लिए, जैसे कि सीरीज मशीन हो गया या फिर शंट हो गया, इन सब को यूज़ करते हैं। चलिए अब सेपरेटली एक्साइटेड मशीन देखते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स। तो ये हम टाइप्स ऑफ मशीन्स में आ गए हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स कैसे होंगे, इसके बारे में अभी अब बता रहा हूं आपको। टाइप्स ऑफ मशीन्स, एक आता है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन को देखते हैं। चलिए फर्स्ट है अपना, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होगा, डायग्राम कैसा होगा वो हम देख लें। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, फील्ड सर्किट और आर्मेचर सर्किट में आइसोलेशन होता है, ये इसका मेन बेसिक है। तो यहां पे लिख लेंगे देयर इज आइसोलेशन इन बिटवीन फील्ड सर्किट एंड देयर इज आइसोलेशन इन बिटवीन आइसोलेशन इन बिटवीन किसमें किसमें आइसोलेशन होगा, फील्ड सर्किट में और आपके आर्मेचर दोनों में आइसोलेशन होगा, आइसोलेशन इन बिटवीन फील्ड सर्किट एंड आर्मेचर सर्किट, फील्ड सर्किट और आर्मेचर सर्किट में आइसोलेशन।
चलिए अब सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग कि देयर इज आइसोलेशन इन बिटवीन फील्ड सर्किट एंड आर्मेचर सर्किट। नेक्स्ट इसका डायग्राम कैसा होना चाहिए, तो देखिए डीसी मशीन को जनरली जो हम लोग सर्किट के फॉर्म में डिनोट करेंगे ना वो इस फॉर्म में रहेगा और इसी से एक वाइंडिंग को अगर कनेक्ट हम लोग डायरेक्ट कर दें जो कि अपना टर्मिनल वोल्टेज है और ये सेपरेटली एक्साइटेड है, अलग से इसको एक्साइट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये पोटेंशियल पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल अगर दे भी दें यहाँ पे, ठीक है, जो कि आउटसाइड फॉर्म में होगा, तो इसको एक्साइट करने के लिए अलग से हम लोगों को फील्ड वाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी जो कि हम लोग आरएफ, तो ये होता है अपना सिंपल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का फॉर्म। और इसे हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन आता है उसमें सेपरेटली एक्साइटेड मशीन बोलेगा, तो अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन जनरली नहीं मालूम है, देखिए ये थोड़ा सा पास में रहते हैं, इनको अगर फील्ड वाइंडिंग को हम थोड़ा और पास बना दें तो उसमें भी, और लास्ट में इसी से क्या रहता है, लोड अपना कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा और यहाँ पे इस फॉर्म में क्लोज कर लेंगे, दैट इज आवर फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग से आरएफ है अपना और यहाँ पे ईए है और ये है अपना टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्टेड है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के फॉर्म में। चलिए अब सेकंड फॉर्म आ जाएगा क्या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के बाद, देखें तो सेल्फ एक्साइटेड एक तो इसमें होता है, कौन सा, इसमें भी आपके दो फॉर्म होंगे सेपरेटली एक्साइटेड में, सेल्फ एक्साइटेड है और दूसरा वोल्टेज एक्साइटेड है, तो सेल्फ एक्साइटेड में और वोल्टेज एक्साइटेड में, वोल्टेज एक्साइटेड और करंट एक्साइटेड, तो वोल्टेज एक्साइटेड और करंट एक्साइटेड में डिफरेंस क्या है, वोल्टेज एक्साइटेड में रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब रेजिस्टेंस उस फॉर्म में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, और करंट एक्साइटेड में करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट एक्साइटेड फॉर्म में है तो लो रेजिस्टेंस के साथ करंट जो होगा इसमें, शॉर्ट थिन वायर यूज होती है और इसमें लॉन्ग थिन वायर यूज होगी हायर रेजिस्टेंस की वोल्टेज एक्साइटेड में, तो ये दोनों में एक अगर कभी आ जाता है पूछने या फिर कोई पूछ ले तो उस फॉर्म के लिए जनरल नॉलेज ही टर्म है वोल्टेज एक्साइटेड, और वोल्टेज एक्साइटेड के साथ कौन सा फॉर्म बताया हमने, करंट एक्साइटेड, वोल्टेज एक्साइटेड का क्या फॉर्म होगा यहां पे देखिए, वोल्टेज एक्साइटेड इज इन द फॉर्म ऑफ, बोले अगर ये किस फॉर्म में हो जाएगा, इट इज लॉन्ग थिक वायर, है ना, लॉन्ग थिक वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, लॉन्ग थिक वायर, थिक वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड, हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड, और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, करंट एक्साइटेड में थिन वायर हाई रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, करंट एक्साइटेड में थिन वायर जिसमें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाती है, तो थिन वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस इज यूज्ड, इसमें थिन वायर लो रेजिस्टेंस का हम लोग यूज करते हैं, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड हो गया, देयर इज आइसोलेशन इन बिटवीन फील्ड सर्किट और आर्मेचर सर्किट में आइसोलेशन होता है, वोल्टेज एक्साइटेड है तो लॉन्ग थिक वायर हाई रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, और करंट एक्साइटेड में थिन वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, और ये हो जाएगा तो आपका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर किसका, वोल्टेज एक्साइटेड और करंट एक्साइटेड के फॉर्म में, इसमें कांस्टेंट करंट इज वायर्ड, मतलब इसमें कांस्टेंट करंट भी वायर्ड रहती है, करंट एक्साइटेड के फॉर्म में कांस्टेंट करंट हम लोग देते हैं। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड के बाद देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड फॉर्म कैसा होगा, ठीक, तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन डीसी मशीन को देख लें एक बार, उसका भी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि क्या होगा सेल्फ एक्साइटेड का फॉर्म। सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स में देख लें, सेल्फ ये भी
सेल्फ एक्साइटेड और आपका सेपरेटली एक्साइटेड में डिफरेंस क्या है? तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, वो उसमें जो करंट का फ्लो होगा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के साथ ही कनेक्टेड है, यानी मशीन के साथ ही आपका आर्मेचर वाइंडिंग भी कनेक्टेड रहता है। हम लोग अगर मशीन यहाँ पे उस फॉर्म में देख रहे थे, अगर डीसी मशीन को ऐसे डिनोट किया था सिंपल, और सेपरेटली एक्साइटेड में हम लोगों ने फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे दे दी थी, यहाँ पे क्या करेंगे इस केस में, यहाँ से आर्मेचर आपका कनेक्टेड रहेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर ए, दैट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का जिसको सीरीज में हम लोग लिखते हैं आर ए हो गया, यहाँ पे आर एस ही होगा और आर्मेचर तो यहीं पे होता है क्योंकि यहीं पे मशीन होगा, आर ए ई ए फॉर्म में हो जाएगा यहाँ पे प्लस ई ए है, यही है आर ए, और ये आपका वोल्टेज जो रहता है लास्ट वाला वी। ठीक, तो ये हो गया आपका आर एस ई जो सीरीज कनेक्टेड है, तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन जो कि सीरीज कनेक्टेड, इसमें एक ये फॉर्म बना हुआ है आर एस ई के साथ आर ए और ई ए कनेक्टेड है। और अपना शंट एक्साइटेड में बोल देंगे, तो शंट एक्साइटेड में इसी को हम लोग यहाँ ना कनेक्ट करके कहाँ आउटर पोर्शन में कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका सेल्फ एक्साइटेड में एक फॉर्म है सीरीज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाता है आपका शंट का, तो शंट के लिए देख लेते हैं शंट एक्साइटेड फॉर्म में, और ये सब ना बेसिक डीसी मशीन का ही एक स्ट्रक्चर है, और ये नेटवर्क अगर आपको कन्वर्जन नहीं आया तो कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको ध्यान रख करके करेंगे। देखिए एक फॉर्म आ जाएगा आपका शंट एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड में ये है मशीन और इसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया ई ए, ई ए के साथ आर ए यहीं पे है और यहां से आर एस एच कनेक्टेड है, क्या है इसी को हम लोग शंट बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, और वो अपना आउटपुट में क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्म में कनेक्टेड है, तो ये दोनों फॉर्म्स अपने क्या हो गए सीरीज और शंट के फॉर्म हो गए। तो इन यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट क्या था कॉमन है दोनों में, और वहां पे फील्ड एंड आर्मेचर में क्या हो जाता है कॉमन वोल्टेज होता है, तो ये दो फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। एक इसमें क्या बोल देंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें फॉर्म ऑफ करंट जो है वो देखिए फॉर्म ऑफ करंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ करंट यहाँ पे सेम हो जाएगा, और इसमें फॉर्म ऑफ करंट देख कैसे सेम हो जाएगा, करंट यहाँ से यहाँ पे अगर फ्लो भी कर रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कि करंट की डायरेक्शन दोनों से उस मशीन से भी और सीरीज से भी सेम ही फ्लो कर रही है ना। और फाइनल आ जाएंगे हम लोग किस केस में, आपके आगे वाले केस में जो कि शंट एक्साइटेड है, शंट एक्साइटेड के फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि करंट ना सेम हो करके क्या होगा पोटेंशियल दोनों से क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर एस एच इसीलिए शंट एक्साइटेड के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं पैरेलली कनेक्टेड फॉर्म। ठीक है, चलिए अब अगला फॉर्म देख लेंगे, इसमें एक पॉइंट मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लिख लेते हैं कि इन दिस करंट इज सेम फॉर सीरीज रेजिस्टेंस आर एस ई एंड आर्मेचर, और यहां पे क्या होगा वोल्टेज या फिर पोटेंशियल जो होगा आउटपुट पोटेंशियल वोल्टेज इज सेम फॉर, इस केस में वोल्टेज इज टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज इज सेम फॉर आर एस एच एंड ई ए। ठीक है, आर ए आर ए और आर एस एच के फॉर्म में ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम होगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या है आपका वी टी, तो दोनों में टर्मिनल वोल्टेज इस केस में और इस केस में सेम हो जाएगा। अब हम लोग शंट और सीरीज, शंट सेल्फ एक्साइटेड मशीन में सीरीज का भी फॉर्म देख लिया, शंट का भी फॉर्म देख लिया, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था सेल्फ एक्साइटेड ये आ जाएगा आपका सेपरेटली एक्साइटेड, ये सेल्फ एक्साइटेड के फॉर्म में है, एक कंपाउंड एक्साइटेड फॉर्म भी है, कंपाउंड एक्साइटेड फॉर्म में दो कंसेक्यूटिव फॉर्म्स हैं वो देख लेते हैं कि कंपाउंड एक्साइटेड फॉर्म का
मशीन कैसा बनेगा। लास्ट है इसी इसी के फॉर्म में जो हम लोग कंपाउंड एक्साइटेड मशीन देखेंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं। कम्युलेटिवली होता है, डिफरेंशियल होता है। तो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उनके डॉट कॉइल मतलब करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी इस टर्म्स के हिसाब से है नहीं अपना कंपाउंड एक्साइटेड मशीन्स। अगर कम्युलेटिव देखा जाए और कंपाउंडेड देखा जाए तो वो अभी सिलेबस में भी उस हिसाब से नहीं पूछता है कंपाउंडेड मशीन्स के बारे में। जनरली सीरीज और सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स में ही पूछेगा। तो उसके उससे रिलेटेड हम लोगों ने दोनों का क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब कुछ एक फॉर्म देख लेते हैं लॉसेस जो होती है मशीन्स में। टाइप्स ऑफ मशीन्स के बाद आ जाएंगे लॉसेस एंड डीसी मशीन्स। तो लॉसेस भी देख लेते हैं, लॉसेस किस फॉर्म में होंगे। लॉसेस इन डीसी मशीन, लॉसेस इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में लॉसेस क्या होंगे, दो तीन टाइप के लॉसेस होते हैं। एक तो हमें पता है नो लोड रोटेशनल लॉस, एक वेरिएबल लॉस है। तो नो लोड रोटेशनल लॉस के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल लॉस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के लॉसेस होते हैं, तो लॉस को बहुत अच्छे से देख करके ही करना है, क्योंकि पावर फ्लो डायग्राम जो हम लोग डीसी मशीन में पढ़ते हैं आगे जा करके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन दैट केस। कि अगर हम लोगों ने एक वैल्यू प्रोड्यूस किया, वैल्यू मतलब पोटेंशियल दिया या फिर ईएमएफ इंड्यूस कराया है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। बाकी सारे लॉसेस को, स्ट्रे लॉड लॉस होंगे, आयरन लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस होंगे, हम लोग सारे मतलब नो लोड लॉसेस है उन सबको नो लोड लॉसेस के फॉर्म्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सारे लॉसेस को रिड्यूस करने के बाद जो अपना पावर फ्लो डायग्राम में आउटपुट में बचा वो क्या आएगा, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए हम लोग लॉसेस भी पढ़ते हैं। लॉसेस ऑफ डीसी मशीन में नो लोड रोटेशनल लॉस वो सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और हिस्टेरेसिस और आयरन लॉसेस आते हैं। तो नो लोड विंडेज, नो लोड लॉसेस को देखते हैं, नो लोड रोटेशनल लॉसेस फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म इज नो लोड रोटेशनल लॉसेस। नो लोड रोटेशनल लॉसेस में क्या होंगे, देखिए नो लोड रोटेशनल लॉस का सबसे पहला फॉर्म आ जाएगा कि दीज लॉसेस आर कॉन्स्टेंट, दीज लॉसेस आर कॉन्स्टेंट इवन इफ द आर्मेचर करंट वेरीज। तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, दीज लॉसेस आर कॉन्स्टेंट even if armature current varies, armature current अगर vary भी करे, even if armature current varies, armature current vary करे उसके बावजूद भी ये losses क्या होते हैं, constant होते हैं। तो no load rotational losses में हम लोग पढ़ेंगे कि these losses are constant even if the armature current varies, armature current vary होने के बावजूद भी ये लॉसेस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और एक पॉइंट, दीज लॉसेस आर कंपोज्ड, इनमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं। एक तो होगा आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को पढ़ेंगे, फिर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस पढ़ेंगे। तो दीज लॉसेस, इसमें यहां पे एक पॉइंट और लिख लें, दीज लॉसेस आर कंपोज्ड ऑफ लॉसेस आर composed of friction, composed of first point क्या है, friction and windage losses है, friction and windage losses, ठीक। और second form आ जाएगा क्या कि रोटेशनल में हिस्टेरेसिस और आयरन लॉसेस। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस में कौन सा लॉस हो जाता है कि डीसी मशीन में जब भी ब्रशेस क्या होते हैं, ब्रशेस और कम्यूटेटर, डीसी मशीन में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है आपका ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच में, और बियरिंग के कारण भी फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है, ठीक है।
द वेंटिलेशन लॉसेस, जो भी वेंटिलेशन लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडेज लॉसेस के फॉर्म में बोलेंगे, और फ्रिक्शन लॉसेस किसके फॉर्म में बोलेंगे, जो कि मैंने आपको स्प्रिंग वाला फॉर्म भी बताया था कम्यूटेटर के साथ ब्रश वाला फॉर्म, तो वो भी पढ़ा था हम लोगों ने, तो अब ये देख लेंगे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस में। सबसे पहला पॉइंट कि इन दिस ब्रशेस एंड कम्यूटेटर हैव फ्रिक्शन इन बिटवीन देम, कम्यूटेटर हैव फ्रिक्शन इन बिटवीन देम, तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में, और उस फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। तो इन दिस ब्रशेस एंड कम्यूटेटर हैव फ्रिक्शन इन बिटवीन देम एंड ऑल्सो बियरिंग ऑफ डीसी मशीन प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन, और इसी में जो विंडेज लॉसेस होंगे बियरिंग के कारण, जो गर्म हो जाता है आपका, तो वेंटिलेशन लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडेज लॉसेस। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे, एंड वेंटिलेशन लॉसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज विंडेज लॉसेस, वेंटिलेशन लॉसेस। आर ऑल्सो कॉल्ड एज विंडेज लॉसेस, तो वेंटिलेशन लॉसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज विंडेज लॉसेस। तो ये हमने कर लिया फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के बाद हिस्टेरेसिस लॉस भी इसी के फॉर्म में है, तो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस भी देख लेते हैं, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, क्योंकि कम्यूटेटर के फॉर्म में हम लोगों ने कम्यूटेटर के पास जो ब्रश का यूज किया था वहां से हमने काफी कुछ कवर कर लिया था पॉइंट। अब आगे आ जाते हैं क्या कि नो लोड लॉसेस के फॉर्म में, नो लोड रोटेशनल लॉस। चलिए, इसमें हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस में बोल देते हैं कि जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है फील्ड और आर्मेचर कोर के बीच में आयरन लॉस होगा, फील्ड और आर्मेचर कोर के बीच में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस होगा। तो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। चलिए, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस में क्या बताया कि जैसे ट्रांसफार्मर में आर्मेचर और वाइंडिंग के बीच में लॉसेस होंगे, वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि फील्ड और आर्मेचर कोर ऑफ मशीन क्या कराता है, आयरन लॉस ऑकर कराता है, और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ द मशीन के। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द डीसी मशीन, डीसी मशीन के स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आर्मेचर मैंने बताया कि हिस्टेरेसिस लॉस किसके कारण होगा आपका, फील्ड और आर्मेचर कोर ऑफ मशीन के बीच में जो लॉसेस होते हैं, तो फील्ड इट अकर्स ड्यू टू द लॉस बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर। फील्ड एंड आर्मेचर, ठीक, और ये प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, स्पीड ऑफ द मशीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एडी करंट लॉसेस के बारे में अगर आ जाए तो उस फॉर्म में हम क्या बोलेंगे ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंपल उसके स्पीड के फॉर्म में, तो एडी करंट लॉसेस हो जाते हैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर लॉसेस। और ये हमने मतलब हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में भी एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अभी इतना बस समझ लेते हैं कि एडी करंट लॉसेस किस फॉर्म में होगा। एडी करंट लॉसेस हैव लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड बिटवीन देम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द डीसी मशीन, या फिर स्क्वायर ऑफ द स्पीड लिख लें, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ डीसी मशीन, स्पीड ऑफ डीसी मशीन। ठीक, तो ये स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ डीसी मशीन से इतना हम लोग हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस के बारे में नो लोड रोटेशनल लॉसेस के फॉर्म में हमने देख लिया। अब एक आपका वेरिएबल लॉस जिसमें हम लोग स्ट्रे लॉसेस पढ़ते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कुछ लॉसेस आपको और बताने के बाद वेरिएबल लॉसेस जो होते हैं, उसके बाद पावर फ्लो डायग्राम पढ़ाऊंगा। पावर फ्लो डायग्राम में देखते हैं कि एंड में हमें क्या रिसीव होता है दोनों मोटर और जनरेटर के केस में। जनरली हम मोटर जानते हैं जो कि पावर कंज्यूम करेगा आपका, और जनरेटर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है जनरेटर आपको इलेक्ट्रिकल, जैसे कि जनरेट कराना है कुछ, तो मोटर हम लोग बोलते हैं क्या, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करा दे, और जनरेटर बोलेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा दे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन में मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फॉर्म एक बीच वाला फॉर्म होता है, इसके बिना हम रोटेशन कहीं भी प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो ये दो चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आगे के लॉसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लॉसेस देखने के साथ साथ हम लोग पावर फ्लो का जो डायग्राम है, पावर फ्लो कैसे होता है वो देखेंगे। फिर पैरेलल कनेक्शन के बीच, मतलब डीसी मशीन्स के जो पैरेलल कनेक्शन पैरेलल ऑपरेशन है वो देखते हैं। पैरेलल ऑपरेशन के बाद उनका जो बाद में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक किसके फॉर्म में, पावर करंट या फिर वोल्टेज, जो आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ है और करंट के बीच में और फील्ड करंट के बीच में, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।